हेलो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो जब भी पब्लिश होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे बेल को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमर टेज ग्रुप, आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, पर मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए दोस्तों वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा था, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के लिए है दोस्तों, जो डोमिन PS2 इम्यूलेटर से परेशान है। डोमिन PS2 इम्यूलेटर में बेस्ट ग्राफिक नहीं मिल पाता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करे थे कि जो डोमिन PS2 इम्यूलेटर है उसमें हमारे पास मोबाइल तो बहुत ही अच्छा है, 8GB रैम 4GB रैम वाला, पर उसमें ग्राफिक PS2 इम्यूलेटर के आ ही नहीं पाते दोस्तों। इसका मतलब जो PlayStation के ओरिजिनल ग्राफिक होते हैं वो डोमिन PS2 पे नहीं आ पाते हर डिवाइस में दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन ला चुका हूँ, बहुत ही अच्छा इम्यूलेटर है PlayStation 2 की तरह, शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नया इम्यूलेटर है PlayStation 2 की तरह इम्यूलेटर है, जो आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि डोमिन PS2 वर्सेस प्ले इम्यूलेटर के ग्राफिक्स, किसके ग्राफिक दोस्तों बेस्ट है और कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट है, आपको कौन सा इम्यूलेटर प्ले करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं सारे लिंक दूंगा आपको डोमिन PS2 इम्यूलेटर की भी, प्ले इम्यूलेटर की भी, इसलिए आप एक बार वीडियो को पूरी लास्ट तक देख लेना कि कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट है ग्राफिक के मामले में दोस्तों। स्पीड के मामले में नहीं कह रहा दोस्तों, ग्राफिक के मामले में कह रहा हूँ। अगर आपको कोई भी इम्यूलेटर अच्छा लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इम्यूलेटर की लिंक और गेम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए डोमिन PS2 प्रो इम्यूलेटर और प्ले इम्यूलेटर्स में से आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट ग्राफिक देता है आपको गेम प्ले करते टाइम। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, डाउनलोड में देख सकते हैं आप डोमिन PS2 प्रो इम्यूलेटर है, इसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और प्ले इम्यूलेटर को भी हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मेरे पास कौन सी रोम है, मतलब कौन सा गेम है। तो दोस्तों सिंपली अभी मेरे पास मेटल स्लग का 4 का गेम है, जो 2GB का है और BIOS भी हमारे पास ऑलरेडी है, देख सकते हैं। मैं आपको प्रूव करने के लिए दिखाऊंगा कि दोस्तों कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट ग्राफिक देता है। चलिए डोमिन PS2 इम्यूलेटर को ओपन कर देते हैं। चलिए दोस्तों डोमिन PS2 और BIOS को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑडियो थोड़ी कम कर लेते हैं दोस्तों, अभी गेम ओपन करते थे। देखिए BIOS भी सिलेक्ट कर दी और थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए अभी तो दोस्तों इसमें सेटिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंट्रोलर भी कुछ खास नहीं है, ऑडियो हमें म्यूट करनी है दोस्तों, और सिस्टम स्किप BIOS फास्टेस्ट और ये तो फास्टेस्ट में ही। चलिए दोस्तों अब हम गेम को ओपन करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल स्लग का गेम ओपन हो रहा है। चलिए दोस्तों ओपन हो गया है, अभी तो काफ़ी अच्छी FPS आ रही है, देख सकते हैं 59 अब कम होते जा रही है। और ग्राफिक का कंपेयर करके दिखाऊंगा दोस्तों मैं, ग्राफिक इसमें अच्छे आ रहे हैं किसमें बेकार आ रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी स्लो चल रहा है गेम, 30 FPS। हमने यहाँ पे प्लेयर भी ले लिया, देख सकते हैं दोस्तों ग्राफिक बहुत ही फटे हुए आ रहे हैं। देख सकते हैं डोमिन PS2 में बहुत सारे गेम है जिसके ग्राफिक बहुत ही बेकार आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि इसमें ग्राफिक अच्छे आते हैं, इसमें लाइनिंग भी नहीं आ रही, ग्राफिक भी इतने कुछ खास नहीं आ रहे दोस्तों। तो चलिए अब हम गेम को बैक कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं प्ले इम्यूलेटर में, हमारा प्ले इम्यूलेटर आ चुका है, इसकी भी सेटिंग चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों इसमें सेटिंग तो इतनी कोई रिक्वायर नहीं है,
तो चलिए दोस्तों, अब इसमें गेम को ओपन करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे कंट्रोलर है इसके। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में ग्राफिक में थोड़ी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, SNK कंपनी का है दोस्तों। इसमें कोई कोई गेम पूरे स्क्रीन में नहीं आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हाफ स्क्रीन में आ रहे हैं। ग्राफिक देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ग्राफिक काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप देख सकते हैं इसमें आप भी डोमेन PS2 की तरह कोई और भी गेम खेल सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी अच्छे ग्राफिक आते हैं। इसमें ग्राफिक की क्वालिटी देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें ग्राफिक की क्वालिटी देखिए दोस्तों, डोमिन PS2 इमुलेटर से काफ़ी अच्छे ग्राफिक आ रहे हैं इसमें दोस्तों। पर इस इमुलेटर के अपडेट आना बंद हो गए, पर तब भी दोस्तों ये इमुलेटर 1 ईयर पुराना है, मतलब 1 साल पुराना है दोस्तों। आप जानते होंगे 1 साल पुराने गेम की क्वालिटी और आपकी फ़ोन की क्वालिटी जान सकते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चेंज हो चुके हैं। आपके फ़ोन काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं, अच्छे GB RAM के साथ आते हैं, अच्छे स्टोरेज के साथ आते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो अभी मेरा फ़ोन, आप जानते हैं मैंने कितनी वीडियो में कहा है, मेरा फ़ोन गेमिंग फ़ोन नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा स्नैपड्रैगन भी 626 है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तब भी देख सकते हैं गेम थोड़ा बहुत अच्छी तरह रन कर रहा है। जैसा आप जान सकते हैं मेटल स्लग 4, तो देख सकते हैं अगर आपका पास अच्छा फ़ोन है दोस्तों, 4 GB RAM, 6 GB RAM, 6 GB प्रोसेसर, मतलब सॉरी दोस्तों, अच्छा प्रोसेसर के साथ 628, 825, 845 जैसे स्नैपड्रैगन अगर आपके पास है, तो इस इमुलेटर को पक्का दोस्तों अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करके प्ले कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस इमुलेटर की ग्राफिक काफ़ी अच्छे आते हैं दोस्तों। मेरे से कई लोग कमेंट करके कह रहे थे कि दोस्तों हमें ग्राफिक नहीं मिल पाता है डोमिन PS2 इमुलेटर में, मतलब PlayStation 2 के ओरिजिनल ग्राफिक नहीं मिल पाता है डोमिन PS2 इमुलेटर, क्योंकि डोमिन PS2 इमुलेटर में अभी अपडेट आना बाकी है, काफ़ी आगे अपडेटों में जाके सही होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास काफ़ी अच्छा डिवाइस है एंड्रॉयड, अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ, अच्छे प्रोसेसर के साथ, तो इसलिए दोस्तों आप ज़रूर इस जो भी गेम गेम है और ये इमुलेटर को पर जरूर अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कीजिए। आप जानते हैं मेरी डिवाइस में काफ़ी अच्छी स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि मेरा फ़ोन गेमिंग फ़ोन नहीं है दोस्तों, उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। अगर आपके फ़ोन में इतना अच्छा सब प्रोसेसर है, तो आप ज़रूर अपने एंड्रॉयड डिवाइस में दोस्तों प्ले करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपने ग्राफिक की क्वालिटी देख ली होगी कि कितनी बढ़िया आ रही थी इसमें। आप कोई और भी गेम खेल सकते हैं ऐसे PlayStation 2 के, मेरे पास तो अभी मेटल स्लग का गेम था, तो इसलिए मैंने आपको मेटल स्लग का गेम दिखाया दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये प्ले इमुलेटर चाहते थे, बस 5 MB का ऐप है, इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको डोमिन PS2 इमुलेटर भी चाहिए, तो उसकी लिंक भी दे दूंगा, और आप मेटल स्लग 4 की लिंक चाहते हैं वो भी दे दूंगा दोस्तों। तो मैं ऐसे गेमिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।